नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये डिज़ाइनर बेबी हाफ स्वेटर है जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से ये स्वेटर जो है, इसे पहनाना बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर पहनाना बहुत ही आसान होता है। ये इसका बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। इसमें केवल कंधे की सिलाई हुई है और बाकी कहीं इसकी सिलाई नहीं करनी है। ये स्वेटर बहुत ही आसान है बनाना और इसे पहनाना भी उतना ही आसान है। छोटे बच्चों को खासकर पहनाने में बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए ये स्वेटर बहुत सही होगा। ये 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए है। आप यदि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहती हैं तो इसमें फंदे कुछ कम कर लेंगे, 7 फंदे कम कर लेंगे। मैंने फ्रंट पार्ट में 57 फंदे लिए हैं, आप इसमें 50 फंदे ले लें। और ये बैक पार्ट है, इसमें बैक पार्ट में 74 फंदे हैं। 15-15 फंदे मैंने ये बटन पट्टी के डाले हैं और बीच में के फंदे को मैंने प्लेन कर दिया है। ये 10 सिलाई का बॉर्डर रखे हैं। ऊपर में जाके आर्म होल की जब कटिंग करेंगे, उसके बाद आप यदि छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो उसी के अनुसार लंबाई इसकी रख लें। ये 5-5 फंदे का दोनों तरफ बॉर्डर रखेंगे। लास्ट में ये 8 सिलाई का गार्टर स्टिच का ये बॉर्डर की तरह बना लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट बनाएंगे। डिजाइनर बेबी हाफ स्वेटर जो है, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैंने फ्रंट पार्ट में 57 फंदे लिए हैं, 8-8 फंदा दोनों तरफ बटन पट्टी के डाले हैं और ये बीच में जो फंदा है इसमें ये मैंने डिजाइन डाला है, ये 7 फंदे का डिजाइन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये स्वेटर ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इस हाफ स्वेटर को बनाने के लिए चाहिए ये 4 प्लाई ऊन है, लेकिन थोड़ा मोटा है इसलिए इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। ये बैक पार्ट है, इसमें 74 फंदे लिए हैं मैंने और ये 10 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है। दोनों तरफ बटन होल बनेगा और इसमें ये उल्टा उल्टा जो गार्टर स्टिच का देख रहे हैं, ये 15-15 फंदे मैंने लिए हैं। हर 10वीं सिलाई में ये बटन होल बनाएंगे। ये देखिए, ये फिर 10 सिलाई पूरा हो चुका है। यहाँ पे बटन होल देखिए कैसे बनाते हैं, 2, 3 और ये 4। 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद धागा को इस तरह से सिलाई पे लपेट लेंगे और 2 फंदों को मिला करके 1 फंदा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बटन होल बनाते हैं। इसके बाद इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये बीच का फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे। इन सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। अब देखिए, ये जो 15 फंदा उल्टा है, इसमें भी जब 5 फंदा रह जाएगा तब बटन होल बनाएंगे। ये 10 फंदा मैंने बुन लिया है, अब 5 फंदे बच गए। धागे को सिलाई पे इस तरह से लपेटेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बना लेंगे। फिर बचे हुए फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इसके ऊपर अब 6 सिलाई तक दोनों तरफ से इन 15 फंदों को उल्टा बुनेंगे। बीच के फंदों को जैसे सीधा उल्टा बनाते आए हैं उसी तरह बनाएंगे। उसके बाद फिर स्लिप्स कैसे घटाए जाएंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। लगभग 6 सिलाई पूरा हो चुका है। इसके बाद ये जो 15 फंदे हैं इसमें से 10 फंदे को घटा देंगे। इस तरह से 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए 10 फंदे घटाएंगे। फिर सिलाई पे डालेंगे, उल्टा बुनेंगे और 1 फंदा गिरा देंगे। फिर से सिलाई पे डालेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा। फिर से सिलाई पे डालेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा। इस तरह से 10 फंदे घटा लेंगे। उसके बाद ये 5 फंदे बचे, इन 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये स्लीव्स का बॉर्डर बन जाएगा। बीच के सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरफ भी उसी तरह से 10 फंदे घटा लेंगे और 5 फंदे बॉर्डर के लिए रख लेंगे। ये सिलाई पूरी बुन लेंगे
अब देखिए नेक्स्ट सिलाई में जैसे इधर 10 फंदे घटाए थे, इस तरफ भी 10 फंदे उसी तरह से बुनते हुए बंद कर देंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। इसके बाद सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये 5 फंदा बॉर्डर का हो गया। ये इसी तरह से दोनों तरफ 5-5 फंदा उल्टा बुनेंगे और बाकी सभी फंदों को इस तरह से सीधा बुनते हुए 12 सेंटीमीटर तक बुन लेंगे। आर्म होल की कटिंग के बाद ये लगभग 12 सेंटीमीटर पूरा हो चुका है। इसके बाद अब गले का बॉर्डर बनाएंगे। इसमें ये जो गार्टर स्टिच की लाइन दिख रही है, इसी तरह से सभी फंदों को दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए 8 सिलाई तक बुनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बुनना है दोनों तरफ से। इस तरह से गार्टर स्टिच की 4 लाइनें बना लेंगे। ये देखिए, ये एक लाइन बन रहा है, इसी तरह का 4 लाइन और बना लेंगे। गार्टर स्टिच की 3 लाइनें पूरी हो चुकी हैं, ये चौथी लाइन बना रहे हैं। इसमें गले के फंदे को घटाएंगे। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से 14 फंदे इधर और 14 फंदे दूसरी तरफ, और बीच के फंदे को बंद कर देंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनते हुए फिर से फंदे को सिलाई पे डालेंगे। 2 फंदे का एक फंदा फिर से सिलाई पे डालेंगे। 2 फंदे का एक फंदा करते हुए बीच के सभी फंदों को बंद कर देंगे और दोनों तरफ 14-14 फंदे कंधे में डालेंगे और बाकी बीच के सभी फंदों को बंद कर देंगे। सभी फंदों को घटाने के बाद अब ये 14 फंदे बच गए हैं, इसे उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से ये बैक पार्ट पूरा हो गया है। ये बीच में गले का फंदा घटा देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट है, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 सिलाई का ये बॉर्डर बनाए हैं। बॉर्डर में मैंने 57 फंदे लिए हैं। 8 फंदा इधर बॉर्डर डालेंगे और 8 फंदा इधर, दोनों तरफ 8-8 फंदे का बॉर्डर डालेंगे और बीच में डिजाइन डालेंगे। तो चलिए देखते हैं इस डिजाइन को कैसे एडजस्ट करेंगे। 3, 3, 6, 1, 7, 8 फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। उसके बाद ये जो सीधा फंदा है इसमें 2 और 3 इस तरह से 3 बार धागे को लपेटेंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा हो गया। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद उसमें फिर उसी तरह से धागे को 3 बार लपेटेंगे, ये 2 और ये 3, इस तरह से 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर इस फंदे को गिरा देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। धागे को 3 बार सिलाई पे लपेटते हुए इस तरह से ये फंदा बुन लेंगे। उसके बाद 3 फंदा फिर सीधा हो जाएगा, फिर से उसी तरह से धागे को सिलाई पे 3 बार लपेटेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, फिर एक उल्टा हो जाएगा, धागा पीछे करेंगे। यहाँ फिर उसी तरह से 3 बार धागे को लपेटेंगे सिलाई पे और एक फंदा बुन लेंगे। उसके बाद नॉर्मली जो सीधा बुनते हैं उस तरह से ये 3 फंदा सीधा हो गया। फिर 3 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर इसी तरह से धागे को 3 बार लपेटेंगे सिलाई पे
और एक सीधा फंदा बुन लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फिर से उसी तरह से एक उल्टा के बाद तीन बार सिलाई में धागे को लपेटेंगे और ये सीधा बुन लेंगे। फिर तीन फंदा सीधा धागे को उसी तरह से सिलाई में लपेटेंगे, एक उल्टा फंदा, ये किनारे में आठ फंदा बचता है, इन आठों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये आठ फंदा उल्टा हो गया। रो टू है, इसमें पहले सात फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा को इस तरह से पीछे कर लेंगे और ये फंदा जो है इस डिजाइन के, देखिए बगल वाले फंदे में, इसे सीधा बुनेंगे। धागा आगे कर लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे और उसके बाद वाले फंदे को एक दो और तीन, इस तरह से तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस लपेटे हुए धागे को खोल देंगे, उसके बाद धागा को पीछे करेंगे और ये बीच का फंदा इसे सीधा बुन लेंगे। धागा को आगे कर लेंगे, इस लपेटे हुए फंदे को खोल लेंगे, फिर तीन उल्टा बुनेंगे, दो और तीन, फिर इस फंदा को खोल देंगे, धागा को पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, इस फंदा को खोलेंगे, फिर से तीन उल्टा, इसी तरह से पूरी सिलाई बुन लेंगे। देखिए रो थ्री है, इसमें ये जो आठ फंदा है उसे उल्टा बुन लेंगे, किनारे का फंदा उसे हमेशा उतारेंगे। आठ फंदा उल्टा हो गया, उसके बाद देखिए ये जो फंदा है इसे फिर से उतार लेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, तीन, फिर से इस फंदे को उतार लेंगे, धागा आगे कर लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर से इस फंदे को उतार लेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, इस फंदा को उतारेंगे, एक उल्टा फंदा, इस फंदा को उतारेंगे, तीन सीधा फंदा, फिर फंदा उतारेंगे, एक उल्टा, इसी तरह ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। अब ये देखिए इन सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। आखिरी का फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए, दो तीन चार पाँच छ और ये सात फंदा उल्टा हो गया। धागा पीछे करेंगे, इस फंदा को सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जो फंदा है, खींचा हुआ जो फंदा है, इसे इस तरह से खींचकर उतार देंगे। उसके बाद बीच में जो तीन फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे, दो और तीन फंदा उल्टा, इसे फिर उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर इसे उतारेंगे, तीन फंदा उल्टा, इसे फिर उठा लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर उतार लेंगे इसे और तीन फंदा उल्टा, इस तरह से सभी फंदों को बुनते जाएंगे। देखिए ये सीधा बुनने के बाद इन सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, पाँच और ये छह फंदा उल्टा हो गया।
आखिरी का फंदा, इसे सीधा बुनेंगे। अब ये रो 5 है, इसमें इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये 8 फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो फंदा है इसे खींचकर उतार लेंगे। उसके बाद इन सभी फंदों को इस तरह से उतारेंगे। फिर ये जो 3 फंदा है ये इसे सिलाई पर डाल लेंगे। ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे पहले इस सिलाई पर डालेंगे, उसके बाद सीधा बुनेंगे। फिर 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा हो गया। फिर इस फंदे को भी उठा लेंगे, सिलाई पर डाल लेंगे, उसके बाद इसे भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए ये डिजाइन बन गया है। फिर ये उल्टा फंदा, इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, उसी टेक्निक को फिर अपनाएंगे। देखिए इस तरह से सभी फंदों को गिरा देंगे। उसके बाद पहले इस 3 सीधा फंदा को इस लेफ्ट नीडल पर डालेंगे, फिर साइड के फंदे को जो ये 5वां फंदा है इसे सिलाई पर डालेंगे और सीधा बुनेंगे। 2 और ये 3 फंदा, 4 फंदा हो गया सीधा। उसके बाद फिर ये जो फंदा है पहले वाला, इस फर्स्ट वाले फंदे को इस तरह से सिलाई पे डालेंगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर से 1 उल्टा, इसी तरह से इस पूरी सिलाई को बुनेंगे। 5th रो ऐसे ही बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। पहले 5वें फंदे को बुनेंगे, उसके बाद इन 3 फंदों को बुनेंगे, फिर ये जो गिरा हुआ फंदा है फर्स्ट वाला उसे सिलाई पे डाल के बुन लेंगे। 1 उल्टा, फिर ये पहला फंदा इसे भी उठा लेंगे और बुन लेंगे। इसी तरह से ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये 6 रो है, 6 रो में फिर उसी तरह से ये 7 फंदा पहले उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा हो जाएगा, धागा आगे करेंगे। फिर से अब 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2, 3, 4 और ये 5 फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा फंदा, फिर 5 फंदा उल्टा। अब ये 1 फंदा सीधा हो जाएगा। इसी तरह से 5 उल्टा 1 सीधा करते हुए इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। अब फिर पहली सिलाई में जैसे बुने थे उसी तरह से 7वीं सिलाई भी बुनेंगे। इस तरह से ये 8 फंदा उल्टा हो जाएगा। फिर ये जो पहला फंदा है, जैसे पहली सिलाई में 3 बार धागे को लपेटे थे उसी तरह से इसे 3 बार लपेटेंगे। फिर बाद वाले फंदे को ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसे उसी तरह से 3 बार लपेटेंगे, फिर 1 उल्टा फंदा, फिर 3 सीधा फंदा। इस फंदे में फिर उसी तरह से धागे को 3 बार लपेटेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे। देखिए जैसे पहली सिलाई में फंदा को लपेटे थे उसी तरह से अभी लपेटेंगे और फिर 6 सिलाई तक इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए आर्म होल की कटिंग तक इसे बुन लेंगे। ये फ्रंट पार्ट गला घटाने तक पूरा हो चुका है। ये देखिए 5, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26, 28, 30, 32, 34, 35 ये गार्टर स्टिच की 35 लाइन पूरी हो चुकी है। अब इसमें गले का बॉर्डर बनाएंगे।
गले का बॉर्डर बनाने के लिए सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये जो डिजाइन वाला फंदा है इन फंदों को भी उल्टा ही बुनना है। दोनों तरफ से 8 सिलाई तक सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। 9वीं सिलाई में फिर गला कैसे घटाया जाएगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए ये एक लाइन गार्टर स्टिच का बन गया है। इसी तरह की इसके ऊपर में 3 लाइन और बना लेंगे, यानी 8 सिलाई तक देखिए इस तरह से गार्टर स्टिच के बनाएंगे। 9वीं सिलाई में ये 14 फंदा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 14 फंदा शोल्डर का छोड़ देंगे, उल्टा बुनते जाएंगे इस तरह से और इसे ऊपर से गिरा देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और इसे ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह से ये बीच के सभी फंदों को बुनते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। जब इधर 14 फंदा रह जाएगा उसके बाद केवल 14 फंदे को ही बुनेंगे जब तक कि इसकी लंबाई बैक पार्ट के बराबर पूरी नहीं हो जाए। गला के सभी फंदों को घटा दिए हैं, अब ये जो 14 फंदा बचा है इसे इसकी लंबाई पूरा होने तक बुनेंगे। देखिए इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है। अब जितना इधर बनाए हैं उतना ही इस साइड के कंधे को भी पूरा कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये फ्रंट पार्ट पूरा हो चुका है। अब इसमें कंधे की सिलाई करेंगे। धागे को बड़ा सा काट लेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा करके पकड़ लेंगे। दोनों सीधा पार्ट बीच में रखेंगे और ये उल्टा पार्ट को इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद कंधे की सिलाई करेंगे। ये जो फंदा है इसमें इस तरह से सुई को डालेंगे। उसके बाद ये जो बाद वाला फंदा है इसमें सुई डालेंगे। फिर देखिए ये यहाँ इसमें इस तरह से सुई को डालेंगे, फिर इस फंदा को गिरा देंगे और ये बाद वाले में ऊपर की तरफ से डालेंगे इस तरह से दोनों फंदा में। अब इस सिलाई के ये धागा ऊपर में है तो इस सिलाई के फंदा को गिरा देंगे। उसके बाद ये सेकंड में इस तरह से, ये देखिए इस फंदे में डालेंगे ऊपर से और ये अंदर से, ये इस तरह से। उसके बाद इस फंदे को गिरा देंगे। अब ये सेकंड फंदा जो है उसमें इस तरह से नीडल को डालेंगे और ये इस सिलाई के ये पहले वाले फंदे में, इस सिलाई के फंदा को रहने देंगे। धागा इस साइड में है तो ये जो फंदा है इसे गिरा देंगे। इसके बाद फिर सेकंड फंदे में इस तरह से, फिर इस सिलाई के इस साइड में धागा अब आ गया तो इस सिलाई के फंदे को गिरा देंगे और इसका जो सेकंड फंदा है इसमें नीडल डालेंगे और इस सिलाई के फंदे को इस तरह से, फिर
इस फंदे को गिरा देंगे। फिर इसमें ऊपर से इस तरह से इस कंधे को जोड़ लेंगे। देखिए इस कंधे की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये इसका रॉन्ग साइड है और ये इसके सीधी साइड है। इस तरह से ये कंधे की सिलाई कर लेंगे। दूसरे तरफ भी उसी तरह से कंधे की सिलाई कर लेंगे। दोनों कंधों की सिलाई करने के बाद ये स्वेटर पूरा हो चुका है। इसमें ये दोनों तरफ ये 100 बटन लगा लेंगे। इस तरह से ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।